ये तो बहुत ज्यादा गर्म लग रहे हैं यार। थोड़ा एक बाल गिर गया मेरा, बट ये शायद होना ही था। ये सीधा कर पाता है या मेरे कुत्ते के टेल जैसा कर्ली बाल बिल्कुल टेढ़ा का टेढ़ा रहता है। मैं कहीं पे ना दिखूं, मेरी नजरों से खुद को तू देख ले जाके। वाओ, कितने अच्छे लग रहे हैं ये रील्स। एक काम करती हूँ, मैं भी थोड़ा रील्स बना ही लेती हूँ। कितने गंदे लग रहे हैं यार, बिल्कुल फ्रिजी कर्ली, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। हर किसी का बाल इतना अच्छा लगता है, हर कोई इतने अच्छे से रील्स बना लेता है, सिर्फ मैं ही नहीं बना सकती यार। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना मीशो से हेयर स्ट्रेटनिंग वाला ब्रश ऑर्डर करती हूँ, जो कि मैंने परसों ही देखा था यार, इतने कम प्राइस में था। ऑर्डर तो कर ही देती हूँ, बट ये देखने का बात है गाइस कि ये वाला हेयर स्ट्रेटनर काम करेगा या नहीं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? बहुत बुरे हैं हम लोग। गाइस, आज मैं फाइनली ट्राई करने वाली हूँ, टेस्ट करने वाली हूँ एंड आपके साथ मेरी व्यूज शेयर करने वाली हूँ ऑन द वायरल हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश, जो कि इतना ज्यादा वायरल है, इतना ज्यादा वायरल है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख लो यार। सो गाइस, फाइनली मुझे रिसीव हो गया है। तो यार, मैंने भी इतना देखा था और मुझे ये इतना ज्यादा ही सस्ते में मिल गया, तो मैंने सोचा कि ले ही लेते हैं यार। तो चलो अभी इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सो गाइस, ये रहा द हेयर स्ट्रेटनर, जो कि बाहर का पैकेजिंग है, तो अभी इसको हम ओपन करेंगे। एंड ये रहा अंदर का पैकेजिंग गाइस। सो गाइस, ये है द हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश। गाइस, यहाँ पे आपको ऑन करने के लिए एक बटन मिलता है एंड दो बटन मिलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने एंड घटाने के लिए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कितना बड़ा कॉर्ड मिल रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार, मैं इतना ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ये वाला प्रोडक्ट लाई हूँ, तो आप तो फ्री में लाइक कर सकते हो, तो एक लाइक कर ही देना, ठीक है? सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रश की। काफी हेवी सा ब्रश है, मतलब एकदम हल्का, बिल्कुल भी वेट नहीं है, ऐसा नहीं है। बट लास्ट टाइम मैंने जो हेयर स्ट्रेटनर ऑर्डर किया था ना, उस पर मुझे काफी अच्छा खासा एक बॉक्स भी मिल गया था इसको स्टोर करने के लिए, बट यहाँ पे हमको प्लास्टिक का कुछ मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक है, तो इस पे तो हम स्टोर कर नहीं पाएंगे। मतलब स्टोर करने के लिए अच्छा खासा कुछ दिया नहीं है एंड इसका प्राइस भी पिछले वाले से काफी ज्यादा है। तो रहने दो फिर। तो मेरे होप्स भी बहुत हाई है कि मेरे फ्रिजी बालों को ये काफी अच्छे से स्ट्रेटन कर देगा। तो यार चलो टेस्ट करते हैं कि ये मेरे फ्रिजी बालों के ऊपर काम कर पाता है या नहीं। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, इसका जो तार है वो काफी लंबा है एंड ये रोटेट भी होता है, नहीं होता है, मतलब ऐसा जब भी किसी का तार होता है। गाइस, मेरे पास बहुत सारे हेयर स्ट्रेटनर्स है, तो उनके ना जब ऐसे वाले तार होते हैं तो ये रोटेट हो सकता है, बट इसका तार रोटेट नहीं होता। पैसा बर्बाद। तो दैट ओके, फिर भी ठीक है यार, काफी कम प्राइस में मिल रहा है तो इतना तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं। तो चलो इसको हीट अप करते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, इसको ऑन करने के साथ साथ ही यहाँ पे लाइट ब्लिंक करना चालू हो जाता है। तो अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है एंड आप देख सकते हो कि इट्स वर्किंग। सो गाइस, इसको थोड़ी देर हीट अप होने देते हैं, बट उससे पहले ना, हमेशा कोई भी हॉट टूल्स अपने बालों में अप्लाई करने से पहले आप कोई भी हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे या फिर सेरम भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं भी थोड़ा सा सेरम लेके अप्लाई कर लूंगी। ओके गाइस, जो मेरा इस साइड का बाल है ना, मैं इस पे कुछ नहीं करूंगी एंड इस साइड के बाल को मैं थोड़ा सा स्ट्रेटन ब्रश के साथ ब्रश करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे दोनों साइड के बाल ही सेम टू सेम फ्रिजी टाइप के लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ना इस साइड के बालों को स्ट्रेटन अप करने की कोशिश करूंगी एंड इस साइड के बालों को ऐसे ही छोड़ दूंगी एंड देन हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअल में ये काम किया है या पूरा का पूरा गिमिक है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
तो ये ऑन है एंड काफी गर्म हो गया है यार, मतलब बाहर से भी आप थोड़ा सा टेम्परेचर गेस कर सकते हो कि ये गर्म हुआ है। तो चलो भाई साहब, काफी गर्म हो गए हैं, मतलब मेरे बाल लिटरली हॉट फील कर रहा है यार। इट्स वेरी इजी टू यूज, मतलब बिल्कुल भी आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए। वेरी इजी टू यूज गाइज, एंड काफी गर्म हो गया है, काफी ज्यादा गर्म। ओह, ये तो बहुत ज्यादा गर्म लग रहे हैं यार। वाओ, आई थिंक कि मेरे बाल अभी पहले से काफी ज्यादा सिल्की स्मूथ एंड स्ट्रेट लग रहे हैं, और बस 2 मिनट हुआ है मैंने इसको यूज किया है यार। इन जस्ट 2 मिनट्स इसने अच्छे से काम कर दिया। गाइस कैन यू सी, मेरे दोनों साइड के बालों में आपको ऑलरेडी डिफरेंस दिख रहे हैं या नहीं प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छे से डिफरेंस दिख रहा है यार। इट्स वेरी हॉट, मतलब आपको ना इसके अंदर गाइस एक प्लेट होता है जो कि मेटल का बना हुआ है, ये जो बाहर का ब्लैक कलर का देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। अंदर में एक प्लेट होता है कुछ मेटल का, वो बहुत ज्यादा अच्छे से गर्म हो जाता है, एंड यू कैन सी कि ये कितने अच्छे से काम किया है भाई साहब। इट्स टोटली स्ट्रेट नाउ, मेरे इस साइड के बाल लिटरली स्ट्रेट लग रहे हैं। गाइज आई रियली होप कि आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे, मतलब ये वाले जो बाल है ना बिल्कुल सिल्की स्लीक स्मूथ मैनेजेबल लग रहे हैं, जहाँ पे ये काफी ड्राई रफ एंड फ्रिजी लग रहे हैं ना। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इस साइड के बालों को थोड़ा सा कर्ल कर लेती हूँ, एंड कर्ल करने के बाद मैं इसे स्ट्रेटन अप करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइज आई होप कि आप देख सकते हो कि ये जो हेयर का स्ट्रैंड है इसको मैंने कर्ल कर लिया है, इस वाले हेयर स्ट्रैंड को भी मैं कर्ल कर लूंगी। ये वाला कर्ल बहुत ही गंदा हुआ है बट आई होप कि आपको दिख रहा होगा गाइज कि ये जो दो बालों के स्ट्रैंड है वो कर्ली है। एंड गाइज आप ना इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन भी कर सकते हो, ये जो प्लस वाला बटन है ना इसको आप क्लिक करोगे तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये माइनस वाला बटन को क्लिक करोगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। तो मैंने इसको फुल टेम्परेचर पे रखा है क्योंकि हम कर्ली बालों के ऊपर, मतलब बिल्कुल एकदम से कर्ली बालों के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं। ये तेरा है पर मेरा ही है ना, तो चलो इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये सीधा कर पाता है या मेरे कुत्ते के टेल जैसा कर्ली बाल बिल्कुल टेरा का टेरा रहता है। काफी स्ट्रेट हो गया है बट एकदम पिन स्ट्रेट नहीं हुआ, तो मैं फिर से एक बार करूंगी। तुमसे ना हो पाएगा, थोड़ा एक बाल गिर गया मेरा बट ये शायद होना ही था, ऐसे भी थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो होता ही है गाइस। काफी हद तक स्ट्रेट हो गया यार, मतलब एकदम पिन स्ट्रेट मैं इसको नहीं बोलूंगी बट आई थिंक कि और एक दो बार करूंगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही हो जाएगा। वाओ यार, बिल्कुल कर्ली बालों से इतना अच्छा स्ट्रेट कर दिया है, जस्ट एक ब्रश से आपको ब्रश करना पड़ा है और कुछ भी नहीं करना पड़ा। एंड इस साइड में ना मैंने कोई सीरम वगैरह भी अप्लाई नहीं किया है गाइज, आपको बता दे रही हूँ। तो बस मैं एक बार पूरे बालों को ब्रश कर लेती हूँ एंड आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो गाइज मेरे बाल पहले कैसे लग रहे थे वो तो आपने देख ही लिया था, एंड आप देख ही सकते हो कि अभी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। आई फील कि बहुत ज्यादा ही स्मूथ शाइनी ग्लॉसी एंड स्ट्रेट लग रहे हैं, बहुत मैनेजेबल लग रहे हैं यार, बिल्कुल भी फ्रिज नहीं है एंड काफी हद तक इसने स्ट्रेट कर दिया। सो गाइज इस ब्रश का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 597 रुपीज है, मतलब ऑलमोस्ट 600 रुपीज का ही पकड़ लो, तो इससे कम प्राइस में भी आपको स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनर्स मिल जाएंगे जैसे कि ये वाला, बट ये बहुत छोटा है एंड आपको ना पूरे बालों को स्ट्रेटनिंग करने में काफी टाइम लगेगा, जहां पर कि इससे आप 5 मिनट के अंदर पूरे बालों को एकदम स्ट्रेट एंड स्मूथ बना के निकल जा सकते हो। तो इसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा मुझे, तो इस प्रोडक्ट को मैं तो 5 में 4.7 स्टार दूंगी। ठीक है, आई रियली लाइक द प्रोडक्ट एंड मुझे इसका जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा लगा यार, काफी स्मूथ सिल्की एंड शाइनी स्ट्रेट बाल लग रहे हैं। आप बताओ कि आपको कैसा लगा
एंड ये 600 रुपीज में आपके लिए एक अच्छा बाय होगा या नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड हाँ गाइज, ऐसे और ढेर सारे वियर्ड प्रोडक्ट्स की रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।